नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। और शुरुआत महाराष्ट्र से, जहां राजनीति में आज हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई जब विधानसभा के अध्यक्ष ने कह दिया कि विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट वाली पार्टी ही असली शिवसेना है। जब चुनाव आयोग के बाद स्पीकर के इस फैसले को उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, इसी के साथ शिंदे और उनके अन्य समर्थक विधायकों को विधानसभा से अयोग्य करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। साथ ही स्पीकर उद्धव गुट के खिलाफ शिंदे गुट की याचिका को भी नामंजूर कर दिया गया है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग करने वाली एकनाथ शिंदे गुट की याचिका भी नामंजूर कर दी गई है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा है कि शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। शिंदे गुट के पास 55 में से 37 विधायकों का समर्थन है। विधानसभा में शिंदे को शिवसेना नेता चुनना वैध है। भरत गोगावले वैध तरीके से चीफ व्हिप चुने गए हैं। वहीं अपना फैसला सुनाते हुए स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के सामने पेश 1999 का संविधान ही मान्य है। असली पार्टी कौन है, ये 1999 के संविधान से तय हो जाता है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। मैं चुनाव आयोग के फैसले से अलग नहीं जा सकता। असली शिवसेना होने का उद्धव गुट का दावा गलत है। बाला साहेब की वसीयत को पार्टी की वसीयत नहीं मान सकते। शिंदे को इसलिए नहीं निकाल सकते कि वो ठाकरे को पसंद नहीं। पार्टी की बैठक में ना पहुंचने को बगावत नहीं मान सकते। 10वीं अनुसूची में ये अयोग्यता का आधार नहीं हो सकता। From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 here and above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. Shiv Sena Uddhav Gut ke pramukh Uddhav Thackeray ne kaha hai ki faisla galat hai. Unhone kaha hai ki wo court jayenge. Unhone kaha ki ummeed hai sarvoch nyayalay se nyay milega. मामला सीधा था, डिस्क्वालिफिकेशन का था और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हिप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी, उसको उनकी जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था। तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कुछ उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है। और इसलिए मैंने कल प्रेस में कहा था कि ये इनकी मिलीभगत है। अब देखना ये होगा कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। शिवसेना विधायकों की योग्यता अयोग्यता पर आज आए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ही असली शिवसेना बताया है और उनकी अयोग्यता को भी जो याचिका दी गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। यानी कि शिवसेना के सभी विधायक जो है उनकी सदस्यता बनी रहेगी, खुद एकनाथ शिंदे भी बने रहेंगे और यहाँ तक कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के गुट के जो विधायक थे उनकी सदस्यता भी बरकरार रखी है, उनकी सदस्यता भी खारिज नहीं की। ये एक उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन ये तो होना ही था जैसा कि अंदेशा था। और यही वजह रही है कि फैसला आने के एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी याचिका दी और ये आरोप लगाया कि ये जो सुनवाई चल रही है ये मिलीभगत है। और उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की 3 दिन पहले मुलाकात हुई है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ट्रिब्यूनल के हैं, यानी कि वो यहाँ पर जज हैं और जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे वो इस पूरे मामले में आरोपी हैं। तो जज और आरोपी एक साथ मिल रहे हैं
तो बड़ा आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैसला क्या आएगा, यानी इसकी उम्मीद उन्हें पहले से ही थी। हालांकि आज इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रेमवर्क दिया था उन्हें, उसके तहत उनका उन्हें फैसला करना चाहिए था, लेकिन लगता है कि उन्हें वो बात समझ में नहीं आई और उन्होंने वो एक अलग ही कुछ फैसला सुनाया है और ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है या नहीं बनता है, इस पर भी वो कानूनी सलाह लेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि इस फैसले को वो अदालत में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ जो है कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनके जो संविधान में संशोधन था 2018 का वो मानने से इनकार कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो विधायक हैं फिर उनको अयोग्य क्यों नहीं करार दिया। अगर संविधान में संशोधन गलत है तो फिर विधायकों को भी योग्य कैसे ठहराया, उस पर भी हालांकि उन्होंने सवाल उठाया और कहा यह फैसला तो ऐसा ही है कि चोर को ही मालिक बना दिया गया है। उन्होंने खुद विधानसभा अध्यक्ष पर भी सवाल उठाया और कहा कि वो पहले भी दल बदलते रहे हैं, तो लगता है कि ये अपने इस फैसले से उन्होंने अपने लिए आगे भी रास्ता साफ किया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो इतनी लंबी लड़ाई चल रही थी विधायकों की योग्यता अयोग्यता की, तो सभी विधायक की विधायकी तो बची रहेगी, लेकिन उद्धव ठाकरे जो है उनको एक तरह से झटका लगा है क्योंकि फैसला उनके पक्ष में नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत मिली है क्योंकि उनकी कुर्सी जो है अब बची रहेगी। हालांकि इसे कानूनी लड़ाई के तौर पर लड़ेंगे, अभी मामला अदालत में जाएगा और अभी न्यायिक लड़ाई लड़ी जाएगी। ये सवाल जब किया गया उद्धव ठाकरे से, मैंने जब कुछ सवाल किया कि आप सिर्फ न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे या फिर ज़मीन पर भी लड़ाई लड़ेंगे जनता के बीच में जाके, तो उनका ये कहना था कि जनता के बीच हम पहले से ही लड़ रहे हैं, मेरा सब कार्यक्रम बना हुआ है, दौरा बना हुआ है नासिक से लेकर अलग जगहों पर, और जनता के बीच ही हम रहे हैं, जनता के लिए रहे हैं और जनता के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सब जो है पूरी लोकतंत्र की हत्या की एक चाल है और जिसके लिए जनता को जागरूक करना होगा और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। प्रवीण रोहित और सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया है। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि हमने सम्मान के साथ न्योता अस्वीकार कर दिया है, यानी सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक फायदे के लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है और ये बीजेपी संघ का कार्यक्रम है। वडोदरा से 108 फीट की धूप बत्ती अयोध्या लाई जा रही है। किसने बनाई है ये धूप बत्ती और कैसे ये अयोध्या पहुंच रही है, देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन की खास रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसके संदर्भ में देश भर के अलग अलग जगहों से लोग जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। अब आप देखिए कि मैं इस वक्त अयोध्या से करीब में हूँ और ये आप देखिए कि 108 फीट की धूप बत्ती जो है वो इतने बड़े ट्रॉले से बड़ोदरा से जो है वो अयोध्या जा रही है। अभी हम रास्ते में हैं। विहा भाई मेरे साथ में हैं, गौपालक हैं। विहा भाई जय सिया राम, आपको अयोध्या में आपका स्वागत है। बड़ोदरा से 10 दिन की यात्रा करके आप 35 गौपालक यहाँ पर आए हुए हैं, ये धूप बत्ती को लाने का क्या मकसद है, कैसे आप लोगों ने तैयार किया इसको? अभी हजारों सालों का इंतजार था। अच्छा, कि अयोध्या में कब प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा। हाँ। तो उसकी खुशहाली में हमने ये गुजरात में 108 फुट लंबी अगरबत्ती 3.5 फुट गोलाई वाली और इसके अंदर 3,610 किलो जितनी पूरी सारी हवन सामग्री से ये बनाई हुई है और अयोध्या ले जाकर प्रभु श्री राम को अर्पित करके इसको प्रज्वलित करेंगे। ये ट्राला जो है उसका किराया जो 4,10,000 रुपया होता है और जो रथ की पूरी सुविधा कही है वो हमारे जो बॉम्बे सुपर बीच कंपनी के MD है जो राजकोट कालावाड़ के पिंटू भाई पटेल उसने किया है। वो उनने पूरी जिम्मेदारी लिया कि भैया भाई आप घबराइए मत, इसके अंदर 25 लाख 50 लाख जो भी लगता है अगरबत्ती पहुंचाने में तो हम बॉम्बे सुपर कंपनी बैठी है आपके साथ।
चलिए बहुत सारे लोग जुड़े हैं और यह हमारा भारत देश के नागरिक का सौभाग्य है कि आज प्रभु श्री रामलला उनके निजी स्थान में पधार रहे हैं और हमारी मनोकामना आज पूर्ण हुई है। जय 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 जय। ये है राम भक्त जो कि बड़ोदरा से 108 फीट की धूप बत्ती तैयार करके लाए हैं। ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं है लेकिन इनकी भक्ति ही इनसे इतना बड़ा काम करवाया है और अब ये अयोध्या पहुंच रही है। अयोध्या से सचिन गुप्ता के साथ रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर झारखंड से, जहां सरकार का एक फरमान केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है। झारखंड सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी विभाग का अधिकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों को सरकार को बिना बताए सीधे तौर पर कोई जानकारी ना दे और ना ही पूछताछ में शामिल हो। पश्चिम बंगाल की तरह क्या अब झारखंड में भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है? झारखंड में कई अलग अलग मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों CBI और ED की जांच तेज हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार का अधिकारियों के लिए जारी नया फरमान एजेंसियों के लिए मुसीबत बन सकता है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रमुख सचिव बन्ना दादेल ने 9 जनवरी को एक गोपनीय चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी झारखंड में जितने भी डिपार्टमेंट से उनको लिखी गई। आखिर क्या है इस चिट्ठी में, ये हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के नोटिसों और जांच से जुड़े दस्तावेजों पर सीधे जवाब ना दें, बल्कि अपने विभाग के जरिए सरकार की जानकारी में लाएं। केंद्रीय जांच एजेंसियां बिना सरकार के सक्षम प्राधिकार को लिखे सीधे नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है, साथ ही सरकारी दस्तावेजों की भी मांग की जाती है। ऐसे मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामले को लाए बिना अधिकारी पूछताछ में शामिल होते थे। सरकारी दस्तावेजों को इन केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंप देते थे, जो गलत है। जो सूचनाएं दी जाती हैं, संभावना है कि वो आधी अधूरी हो या गलत हो, जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब अगर सेंट्रल एजेंसीज कोई जानकारी किसी अधिकारी से मांगती हैं, तो पहले अधिकारी अपने डिपार्टमेंट के हेड को बताएगा, फिर डिपार्टमेंट का हेड मंत्रिमंडल सचिवालय और विजिलेंस डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देगा। उसके बाद ये दोनों डिपार्टमेंट कानूनी सलाह लेंगे और उसके बाद सेंट्रल एजेंसीज को जानकारी देंगे। हालांकि इस बारे में कानूनी जानकारों की राय बटी हुई है। राज्य सरकार ने जो ये सर्कुलर जारी किया है उसका आधार क्या है, ये किस नियम के तहत जारी किया गया है, ये कुछ भी उस पर नहीं स्पष्ट है। और ऐसे सिचुएशन में एक ऐसी क्योस वाली स्थिति पैदा होगी जो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल ही जायज नहीं है। झारखंड सरकार के इस नए आदेश से माना जा रहा है कि अधिकारियों को जांच में सहयोग देने से साफ इनकार करने को कहा गया है, क्योंकि ईडी 7 बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन कर पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए। झारखंड में चल रहे अलग अलग मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी अभी तक 2 IAS अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है, साथ ही इन घोटालों में कई अन्य गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन अब ये नया आदेश केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए जांच में अड़चन पैदा जरूर करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव और मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हो रहे इस समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 साल के लक्ष्य पर काम कर रहा है भारत। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है। वाइब्रेंट गुजरात ने 20 साल में निवेश के नए गेटवे बनाए हैं। इस समिट की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले कुछ सालों में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में भारत होगा। अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है।
ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। इस समिट में आए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा के अहम सहयोगी हैं। वहीं वाइब्रेंट गुजरात समिट में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने गुजरात के लिए कई बड़े ऐलान किए। गुजरात में अगले 5 साल में अडानी समूह 2 लाख करोड़ का निवेश करेगा, जो विकसित गुजरात को तैयार करने में मददगार होगा। इसके तहत अडानी समूह कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क भी तैयार करेगा। इट हैज ऑल योर होलमार्क सिग्नेचर। एट द प्रीवियस समिट I announced our investment of over ₹55,000 crores by 2025. We have already surpassed ₹50,000 crores across the various sectors I had promised and have vastly exceeded our target of 25,000 direct and indirect jobs. Today, I commit to further investments. We are constructing the world largest green energy park in Akhavda district Kutch, generating 30 gigawatt of our renewable energy over 725 square kilometer, even visible is from space.